पे मठरी, मैं मठरी बोलती हूँ, कोई सांक बोलता है, कोई कुछ बोलता है। मैंने मतलब सुना है गांव में लोग बोलते हैं सांक, अलग अलग जगहों में सब लोग कोई ना कोई कुछ बोलता है, लेकिन आप लोग जो मुझे देख रहे हैं तो आप लोग क्या बोलते हो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। तो यहाँ पे मैंने मैदा को अच्छे से छान लिया है पहले, और उसमें नमक डाला है, और यहाँ पे डाला था मैंने उसमें अजवाइन, और मैं ऑयल जो डाली थी वो मैंने आपको नहीं दिखाया, ऑयल मतलब रिफाइंड ऑयल वो मैंने नहीं दिखाया, और मैं इसको मत लूँगी। और हम जो मठरी की मैदा जो मारेंगे उसको एकदम बढ़िया टाइट मारेंगे। तो यहाँ पे मैंने ऑयल, मेरा बस एक ही प्रॉब्लम हो गया कि मैंने यहाँ पे ना थोड़ा सा ना ऑयल कम रखा, बट फिर भी जो भी हुआ अच्छे के लिए होता है। लेकिन ये बहुत मतलब जब ये दबा रही हूँ ना, मैं इनको मथ रही हूँ, तो इसमें मुझे बड़ा दिक्कत आया था। अगर थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा रहता ना, थोड़ा सा और रहता, तो फिर आराम से ये बढ़िया बन जाती हैं, पर इसमें बनने में थोड़ी दिक्कत हो गई। लोग ना प्लीज़ उसको ना वैसे ही कीजिएगा, थोड़ा सा ना ज़्यादा रखिएगा, और इस तरीके से बेलेंगे, लेकिन आप मेरे तरीके से मत बेलना, क्योंकि मेरा तरीका बहुत फट गया, फट गई, फटी फटती तो वैसे भी हैं, ऐसा नहीं है नहीं फटनी, फटती वैसे भी हैं, पर जैसे कि मैंने बताया टाइट तो थी, क्योंकि अगर मटरी की मैदा टाइट बनेंगी तभी वो अंदर से भुरभुरी भुरभुरी मतलब एकदम बढ़िया बनेंगी, अंदर से सॉफ्ट एंड बाहर से वैसी। तो वही मैं कर रही थी, लेकिन ये थोड़ी सी मेरे से दिक्कत हो गई, लेकिन फिर भी मैंने कर लिया। मैंने कहा देखते हैं फिर क्या। तो लेकिन अगर मैं पीछे से ऑयल देती तो ख़राब हो जाती है। बहुत सारे लोग इसमें सूजी भी ऐड करते हैं, बट मैंने सूजी ऐड नहीं किया, प्योर मैदे का बनाया है। बट कोई नहीं, बीच में से तो मुझे मिल ही रही थी ना, साइड का ही तो फटा था तो यही सोच के मैंने करती गई। तो इसी तरीके से मैंने सारा बेल लिया, ये पूरा आप देख सकते हो, फटा हो या कुछ भी हो। तो आप लोग बस इतना ध्यान रखिएगा, ऑयल थोड़ा सा ना ज़्यादा दीजिएगा। ओके, सो आप लोग देख सकते हैं मैं कितना मेहनत, बहुत ज़्यादा मेरे, रात को मैं सच बताऊँ इतना ज़्यादा टाइट हो गया कि रात को ना रोटियों के लिए आटा नहीं गूंथा जा रहा था, हाथ में दुख रहा था हाथ, बट कोई नहीं होता है। तो ये देखिए अब मैं इसको चाकू से कट कर लूँगी, वैसे भी अगर आप बेलते हैं तब भी ऐसे ही फटता है साइड से, तो चाकू से आप इस तरीके से काट सकते हैं, और ये एक बन जाएंगी छोटी छोटी। इसी में का एक वो भी होती है गोल गोल पपड़ी जैसी बनती हैं, छोटी 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 गोल गोल बनती हैं, और उसमें छेद कर लीजिए, वो बहुत अच्छी बन जाती हैं। और मतलब कुछ कहते हैं कि वो ज़्यादा जल्दी बनती है। तो यहाँ पे मैं इनको ऐसे कट कर लूँगी, और मैंने बिल्कुल वीडियो स्पीड में नहीं दी है, क्योंकि जो मेरी गलती होती है वो मैं आप लोगों को पहले ही बता देती हूँ। गलत चीज़ मैं आपके साथ शेयर नहीं करती। सारा प्रोसेसिंग अच्छा था, बस ऑयल थोड़ा सा कम रह गया, इसकी वजह से मतलब टाइट हो, मतलब डो बनाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था, मतलब टाइट वो कर बांधने में, वरना बहुत अच्छा होता। पानी हम ज़्यादा नहीं दे सकते, क्योंकि गीली अगर हो गई तो नहीं अच्छी बनेंगी, लेकिन अगर ये ऐसी नहीं तो अच्छी बन जाएंगी। तो बस हो जाता है कभी कभी मिस्टेक, को बहुत दिन बाद भी बनाई थी मैंने, लेकिन अब मुझे बनानी पड़ेंगी, हर मतलब हर कुछ दिन बाद ही बनानी पड़ेंगी, क्योंकि अच्छी लगती है चाय के साथ। पहले क्या हस्बैंड बाहर चले जाते थे काम से, तो नहीं बनाती थी मैं इतनी चीज़ें, और टहनी भी बहुत ज़्यादा छोटी थी तो हम नहीं बनाते थे। लेकिन अब टहनी, और क्या बोलते हैं ना, बच्चे को टीवी देखते देखते थोड़ा सा दे दो कि बेटा ले खा ले, तो वो खा भी लेते हैं, और नहीं तो उसको कभी कभी खुद ही मन कराता है तो मम्मा दे दो। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई में तेल रख दिया, तेल हो गया गरम, तो पहले हम चेक करेंगे एक डाल के। और पता है मेरे से एक गलती हुई, ये कढ़ाई लाने में मुझे ना बिना कुंदे वाली लानी थी, पर मैं कुंदे वाली ले आई, सोच रही हूँ कुंदे निकाल दूँ पर साइड से फिर फूटी हो जाएगी वो, बट कितनी कढ़ाइयाँ लाऊँ। तो अब ये तेल हो चुका है हमारा बढ़िया से, इसमें हम डाल देंगे, और बना भी जब डालेंगे तो गैस को आप फुल रखिएगा, क्योंकि आप पर जब डालेंगे तभी फुल रखना है, उसके बाद आप इसको मीडियम कर सकते हैं ताकि अंदर से वो अच्छे से सिक जाए, लेकिन डालते टाइम फुल रखना, कोई भी चीज़ बनाओ डालते टाइम फुल रखना चाहिए। और जब अंदर का आप है ना, जब अंदर का सेकना है तो अगर फुल पे सेकेंगे तो फिर जल्द मतलब अंदर से नहीं सिक पाएंगे, तो गैस धीमा कर देंगे, ये देख सकते हैं आप मैं धीमा तेज कर रही हूँ, तो अब ये सिकती रहेंगी, और जैसे ही थोड़ी सी दिखेंगी मुझे बनने लायक हो गई हैं फिर हम इसको निकालेंगे। और अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, हस्बैंड भी रहते हैं, तो हम लोग इवनिंग में बैठ के दोनों लोग चाय पीते हैं,
और बिस्किट और वो रोज़ रोज़ खा के पक जाते हैं, तो इसीलिए मैं घर पे कुछ ना कुछ अब बना ही रही हूँ, और आपको बैक टू बैक वीडियो में मिलेगा ही कि मैंने और क्या बनाया है। और आप लॉकडाउन में आराम से अपने घर पे बना सकते हो, इसमें मैं ऐसी कोई चीज़ नहीं डाली हूँ, जैसे कि मैदा लिया, सिर्फ मैदा में अजवाइन और नमक डाला है, और तेल चाहिए, ये तो सबके घर में मिल जाता है, अजवाइन ना भी मिले तो आप ले आओ, कुछ नहीं है, तो फटाफट बन जाता है, और नाश्ते में भी बहुत अच्छा लगता है, शाम के में, इवनिंग में, और अगर आप सुबह में भी खाना चाहें चाय से दो तीन तो खा सकते हैं, और बच्चों को भी छोटी छोटी भूख जो लगती है उसमें भी आप बच्चों को दे सकते हो, अच्छी लगती है। तो ये मेरी जो बनी थी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी, मैं सच में अपने मुँह से तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, सच में बहुत अच्छी बनी थी, मैं मज़ाक नहीं कर रही हूँ। तो ये देखिए हम धीमा गैस पे इसको सीखने देंगे, और वो सीख रही है। तो कोई लोग बोलते हैं कि मैं अपने मुँह से तारीफ़ करूँगी, तो मुझे वैसे अभी तक बोला तो नहीं है, लेकिन आप लोग सोचें अगर, तो मैं अपने मुँह से तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, सच में ये बहुत ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा अच्छी बन गई थी, पता नहीं कैसे, एक गलती कराई थी, एक गलती हो गई लेकिन चीज़ अच्छी बन गई, बट अगली बार मैं सारी चीज़ें प्रॉपर रखूँगी, मैंने सोच लिया है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, मैं ऐसे थोड़ा सा बीच बीच में इसको चला के भी देख लूँगी हो गई है कि नहीं, अरे हमें देखा ही नहीं ना, कभी कभी ना मैं भी उल्टे काम कर जाती हूँ, वो करछी को मैं ऐसे लेके गैस पे खड़ी हूँ, टपक गया उसमें से ऑयल। तो ये देखिए मेरी बन के रेडी है, बहुत ही बढ़िया बनी थी, आप देख सकते हैं हल्का सा दबाने पे ही टूट गई, बहुत ही सॉफ्ट एकदम। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन मॉम एंड बेबी ट्रूडी। सो कैसे हैं आप सब, उम्मीद करती हूँ सारे लोग बढ़िया होंगे। सो यहाँ पे देख सकते हैं बर्तन हम धो के रखे हुए हैं, पर कढ़ाई उसमें अभी भी है क्योंकि कढ़ाई में थोड़ा सा जम गया है। तो मैंने बनाया है यहाँ पे बेसन का बर्फी, ठीक है, और बनाया था मैंने मठरी। तो दोनों की रेसिपी दो व्लॉग में जाएगी, क्योंकि तो एक में ही डालूंगी तो फिर अच्छा नहीं लगे, फिर लोग कहते हैं अरे एक ही में इतना सारा क्यों डाल दिया, तो अच्छा भी नहीं लगता देखने में, तो इसलिए अच्छा डालूंगी, क्योंकि लास्ट ब्लॉग में मैंने एक साथ ही डाल दिया था। और यहाँ है मेरा दही जो मैं रोज़ जमाती हूँ, आप लोग देख सकते हैं, यहाँ मिक्कू का भात बनाया है वो, इसमें हम लोगों का पुलाव। एक्चुअली मैं 12 बजे से किचन में खड़ी, 2 बज गया और मैंने पुलाव बनाया है, सिर्फ सिंपल खाना, सिंपल लास्ट ब्लॉग में भी सिंपल ही बनाया था जीरे का भात, लेकिन पुलाव तो ज़्यादा सिंपल नहीं है, अच्छा है, लेकिन क्या है ना ये गए हुए हैं सुबह से, आएंगे 2:30 बजे तक, आधा घंटे 1.25 घंटे में आ जाएंगे। तो ये चोटी दिखाओ कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, 2 4 चोटियाँ बांध दी हैं इकट्ठी और 2 खुली हुई। सुबह ही सारा काम निपट गया था, क्योंकि मैं सुबह उठ गई थी 7:45 ऐसा कुछ बच रहा था, उठ गई थी, तो ये यहाँ का मुझे बेडशीट भी फिर से चेंज करना था, तो इसका तो मैं हर 2-3 दिन में चेंज कर देती हूँ, तो चेंज कर दिया यहाँ का मैंने बेडशीट। और नूबी से आज मुझे ध्यान नहीं रहा, नूबी सिजु को वहाँ से उतारने में, तो दोनों भी सुन रहा है मेरी बात, ये क्या किया बेटा तुमने, गिरा ली डंडी। तो अब जा रही हूँ टैनी को खाना खिलाऊंगी, उसको सुलाऊंगी, तब हम ये आ जाएंगे, तब उसके पास जाके हम लोग ना खाएंगे। बट मैंने वो बना ली, मैंने क्या होता है ना टैनी को ना भूख लगती है, छोटी छोटी भूख एक होती है ना बच्चे को लगती है, छोटी छोटी भूख, तो वो टैनी को लगती है हर थोड़ी देर में, मतलब उसको ना फिर या तो चिप्स ला के दो बाजार का, या चॉकलेट दो, तो इससे अच्छा मठरी या बर्फ़ी, ये सारी चीज़ें ज़्यादा अच्छी रही। तो पहले मैं आपको मठरी की रेसिपी शेयर करूँगी, उसके बाद आगे कुछ और शेयर करूँगी, ओके, चलिए पहले खाना खिला देती हूँ उसको। गुड इवनिंग गाइस, और सानू आया आज बहुत दिन बाद, अच्छा यहाँ पानी फैलाया तुम लोगों ने, किसने फैलाया ये पानी, जो टैनी टैनी देवी होंगी ना, तो आज सानू बहुत दिन बाद आया, हाय दी, और टैनी लगा रही है सानू की क्लास, क्योंकि सब जैसे टैनी का एक गेम है ऐसी खेलती है और सबको पढ़ाती है कि सब पढ़ो, सानू कह रहा है छुट्टी हो गई और टैनी कह रही है नहीं अभी है पढ़ाई बाकी है पढ़ाई करो, सानू कह रहा है छुट्टी हो गई छुट्टी हो गई दादा। सो मैं बना रही हूँ खाना, और मैं ये हंसी आ रही थी मुझे खाना बनाते बनाते सुन के, वो कह रहा है छुट्टी हो गई, वो कह रही है क्या कर दिया, और मिक्कू बड़ा परेशान है, झटपट आ रहा है कि उसको छोड़ दो, पर वो बच्चों को परेशान करेगा इसलिए नहीं छोड़ रही, ला मैं ठीक करूँ, मैं अभी आके करती हूँ। सब भी बच रहे हैं शाम के 4:30, दोपहर के 4:30,
और अंधेरा पूरा हो रहा है, मैं बताती हूँ क्यों, क्योंकि हमारे यहाँ हो रहा है बारिश। गई ये देखिए, बहुत बढ़िया, बहुत जोरों से बिजली कड़क कड़क के बारिश हो भी गई, ख़त्म भी हो गई। और आजकल मैं घर में चीज़ें बना रही हूँ अच्छी, लाइक हेलो टैनी, कैसी हैं आप? बढ़िया। कितना हाउस दिखाओगी, कितनी बार दिखाओगी, कितनी बार अपना हाउस दिखाओगी? मेरा बहुत बढ़िया। सो एक्चुअली आजकल मैं बढ़िया, मतलब एक्चुअली क्या है ना, मेन एक्चुअली यहाँ पे जाओ टैनी, धूमधाम हो रही है, मैं बोल रही हूँ, तो जाओ पापा पापा जल्दी जाओ, भागो 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 भागो। तो हुआ क्या है कि टैनी को भूख, शाम को जैसे मैंने बताया छोटी छोटी भूख लगती है, तो इसलिए मैं बना रही हूँ और आपके साथ बैक टू बैक कुछ ना कुछ, मतलब एक व्लॉग में मैं कुछ ना कुछ, आप लोगों का अगर व्लॉग आएगा तो आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ उसमें रेसिपी होगा, कोशिश यही करूँगी, पक्का नहीं बोल सकती बट कोशिश करूँगी एक रेसिपी तो हो। पता है रेसिपी से ना व्लॉग में जान आ जाती है। और ये गाय मैया बड़ी ज़ोर से चिल्ला रही हैं, या तो उनका कुछ खो गया है। और एक वीडियो में एक बात बतानी थी, यहाँ पे हमें पास में ही ना एक बैंक है, UBI बैंक है, तो शायद किसी ने सुना हो तो पता नहीं, यहाँ पे चोरी हो गई है, सुना हो किसी ने ये बात न्यूज़ तो पता नहीं मुझे, बैंक का नहीं बोल रही, तो बैंक सुना है कि नहीं। तो वहाँ पे डकैती बड़ी थी, और सारी चेकिंग वगैरह सब चल रही थी, परसों हुई थी, और मुझे ध्यान ही नहीं था क्योंकि मैं व्लॉग नहीं बनाई थी ना, इसलिए आप लोगों से बताने का ध्यान नहीं रहा। वो क्या कि चार लोगों ने किया था, और एक तो शायद कहाँ से आया था, वो ऑलरेडी जेल काट के आया था चोरी के मामले में ही, तो वो आया था, चार लोग थे, ट्रक ड्राइवर था, एक पेंटर था, ऐसे करके थे। और ऐसे ही लोग करते हैं ये सारी चीज़ें, और अपने साथ साथ जो ऐसे काम करने वाले लोग होते हैं, मतलब ऐसा नहीं है सारे ट्रक ड्राइवर पेंटर खराब हों, कुछ अच्छे और भले भी होते हैं, तो वो लोग अपने साथ साथ उन लोगों को भी बदनाम करते हैं, है ना। तो चोरी हुई थी और सब बहुत, मतलब चोरी नहीं, ये समझ लो डकैती हो गई, और हमारे बिल्डिंग वाले इतने डर गए कि जो जा रहा है नीचे लॉक करके आ रहा है, वैसे तो लॉक होता ही है लेकिन कभी कभी कोई भूल भी जाता है। अब तो चोरी का इतना, मतलब चोरी होने के बाद इतना डर बैठ गया ना मन में कि क्या बताऊं। और हमारे यहाँ लॉकडाउन खुल चुका है और 8 तारीख से तो पूरे ही खुलने वाला है, और फिर भी मैं थ्रेडिंग कराने में बड़ा घबरा रही हूँ। सारे लोग पार्लर जा रहे हैं बट मैं घबरा रही हूँ, पर जाऊँगी यार, बहुत शक्ल ऐसी हो रही है। पर वहाँ पे फुल प्रोटेक्शन बता रहे हैं कि फुल अच्छे से करके कर रहे हैं, पर देखते हैं कराऊँगी, क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा है यार, देखिए आप लोग। सो बस वेदर आप देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया हो रहा है। और उस, और हाँ आपको पूरी न्यूज़ तो बताई नहीं मैंने, तो चोरी हुई थी, तो जहाँ पे मोर है, यहाँ पे मोर रिलायंस सुपर मार्केट बहुत सारे हैं यहाँ पे, तो मोर उन लोगों को 24 घंटे भी नहीं हुए चोरी करे हुए, 24 घंटे से पहले पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, कैसे पता है, उन लोगों को कहीं जगह नहीं मिली। यहाँ पास से चोरी किया, हमारे घर के पास ही है, तो वहाँ से चोरी की है, और चोरी करके पास में इधर में मोर है, लाइक 1 किलोमीटर दूर होगा मोर, उसके पीछे जाके चारों लोग हिस्सा बांट कर रहे थे, पुलिस ने दर्द पहुँचा, हो गया स्वा। सो बस वही है, और हमारे साले बैठे हैं अच्छे अच्छे, अब हम जा रहे हैं, अब से ब्लॉग एंड कर रहे हैं, अगले वीडियो में मिलेंगे अच्छी नई खबर के साथ, अच्छी न्यू वीडियो के साथ। ओके बाय बाय। मैं कुछ और करूँ, हाँ मैं मंदिर वाला क्लिप आजकल जो डालती हूँ, तो लोग बोलते हैं, मतलब मुझे कमेंट आया कि आप ना ये डेली डाल रही है, 2 दिन से डाल रही हूँ, तो स्टार्टिंग का ना एक क्लिप है, तो भगवान जी का वीडियो चलता है ना, तो पता है लॉकडाउन में कुछ हुआ हो ना हुआ हो इनके चीखने पर नोबी चिल्ला रहा है, लॉकडाउन में कुछ हुआ हो ना हुआ हो, एक चीज़ बहुत मज़ेदार हुई, पता है क्या, मेरे हाथ गोरे गोरे हो गए, इतना धोया है मैंने, इतना धोती हूँ, यह मिक्कू से लग गया, वॉश से धो, यहाँ कहीं लग गया फिर धो लो, किचन में जा रही हूँ जितनी बार किचन में जाऊँगी हाथ धो लो, सो हाथ बड़े गोरे गोरे हो गए।
चलिए है ना, ओके बाय बाय, ठीक है, लव यू ऑल, बाय। सो मैं बात कर रही हूँ मेंस्ट्रुअल कप के बारे में। आई नो मैं आप लोगों को कई बार बता चुकी हूँ, और जो लोग न्यू हैं और उन लोगों को नहीं पता है तो वो मेरे पुराने वीडियोस देख सकते हैं। मैंने कुछ इनके मतलब पूरा एक वीडियो भी किया हुआ है सिर्फ मेंस्ट्रुअल कप के बारे में। तो मेंस्ट्रुअल कप को अगर आप लोग नहीं जानते हो या आप नहीं मालूम है तो पिक देख सकते हो आप, जो ये दिख रहा है ये है मेंस्ट्रुअल कप। ये हमारे पीरियड्स में काम आता है और ये हमारे पैड्स का खर्चा बचाता है, राइट। और जो इन्फेक्शन पैड से होते हैं ये उनसे भी हमें बचाता है कि पैड से जो खर्चे तो होता ही होता है, क्योंकि एक साल में कितना खर्च होता है मुझे खुद भी नहीं पता है, बट अगर हम देखें एक तरीके से काउंट करें तो जितना एक साल में हमारे पैड खर्च होता है उससे कम मेंस्ट्रुअल कप आता है, और एक मेंस्ट्रुअल कप पूरा 10 ईयर तक चलता है। सो अगर आपको परचेज करना है या इसके बारे में पूरी डिटेलिंग जाननी है तो प्लीज़ आप मेरा वीडियो वॉच कर सकते हैं, लिंक बाय लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मैंशन कर दिया है, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं, ओके।